जगदलपुर के एक व्यापारी का अपहरण के बाद फिरौती मांगने और उसकी हत्या करने के मामले का खुलासा पुलिस ने किया है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जानकारी देते हुए एएसपी ओपी शर्मा ने बताया कि बीते 25 अक्टूबर को अज्ञात लोगों ने बर्तन व्यापारी संतोष जैन का अपहरण कर लिया था। अपहरण करने के बाद आरोपियों ने व्यापारी के परिजन से 5 लाख रुपए फिरौती की मांग की थी। परिजनों ने आरोपियों तक रुपए भी पहुंचा दिया था। इसके बावजूद जब व्यापारी घर वापस नहीं पहुंचा तो परिजनों ने कोतवाली थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसी दौरान पुलिस को व्यापारी की लाश कोड़ेनार में मिलने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जगदलपुर में संतोष जैन की हत्या की गुत्थी जगदलपुर पुलिस ने सुलझा ली है। 25 तारीख को इसका अपहरण किया गया था परिजनों द्वारा। 27 तारीख को थाने में रिपोर्ट की गई थी। जिस घटना के रिपोर्ट पश्चात लगातार पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। पुलिस अधीक्षक महोदय लगातार इसमें निर्देश कर रहे थे। हमने साइबर के साथ साथ जितने भी संभावित बिंदुओं पे पुलिस की टीम जांच कर रही थी। अन्य जिलों में भी पुलिस पार्टी रवाना की गई थी। तकनीकी एनालिसिस के दौरान हमें कुछ जो आरोपी है इस पर संदेह हुआ, जिस पर ला के आरोपी से पूछताछ किए। उसके साथ अन्य 3 लोगों का शामिल होना बताया गया। चारों ने ला के तब पहले तो इन्हें अपना इनकार किया। बाद में जब पुलिस ने थोड़ी सख्ती से इनसे पूछताछ की तो चारों ने अपना अपराध करना स्वीकार किया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।